नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। चर्चा है किसान जो तीन कृषि बिलों को लेकर जो विरोध जता रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस महापंचायत कर चुकी है। कांग्रेस की महापंचायत में राहुल गांधी शरीक हुए थे, राहुल गांधी के अलावा राजस्थान के सीएम शरीक हुए थे, राजस्थान सीएम के अलावा काफ़ी मंत्री थे, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आता है, उसके अलावा आपके बी डी कल्ला का नाम आता है, उसके अलावा जो है अजय माकन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लगातार जो है किसान पंचायत जो है हर जगह महापंचायत शुरू हो चुकी है। अब सवाल खड़ा होता है भी हनुमानगढ़ जिले में या पूरे राजस्थान में, अगर हम बात करें पूरे राजस्थान में अब किसानों ने प्रयास शुरू किया है भी किसी ना किसी तरीके से वो जो है इस तीन कृषि कानूनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझाने का प्रयास करें, किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करें। अब बताया जा रहा है भी राजस्थान में बहुत जल्द ही पूरे पूरे सिस्टम के साथ, यानी कांग्रेस ने जैसे ही महापंचायत की शुरुआत की उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा, वो तमाम किसान मोर्चा जो जिनके 40 या 41 जो संगठन है जो इसमें वर्क कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की ही केंद्र सरकार के साथ वार्ता होती थी। अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो फिर से तैयार हो चुका है भी वो पूरे राजस्थान में और उसके अलावा तमाम जो अन्य राज्य बसते हैं उन राज्यों में जाकर जो है किसानों के साथ समझाइश की जाए और किसानों को बताया जाए कि यह तीन कृषि कानून बिल जो है वो किस तरीके से उनके खिलाफ में है। मैं आपको कुछ फीड बताना चाहूँगा। अगर अगर हम बात करें राजस्थान में हुए जो हनुमानगढ़ की बात करें, पीलीबंगा गोलूवाला या गंगानगर की बात करें, पदमपुर में जब किसान की एक महापंचायत बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी शरीक हुए थे, राजस्थान के सीएम साथ में थे, पूर्व डिप्टी सीएम अपने कह सकते हैं सचिन पायलट उनके साथ थे, तब तमाम जो बड़े नेता थे, अजय माकन ले लिया जाए, गोविंद सिंह डोटासरा को ले लिया जाए, वो सारे उनके साथ थे। वो अगर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्लोप रही। फ्लोप इसलिए रही कि इतनी बड़ी पार्टी का जो आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले से राज कर रही है और इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, राजस्थान का सीएम आता है, दो दो तीन तीन मंत्री आते हैं, बहुत सारे बड़े लीडर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर पूरे जिले की अगर हम बात करें तो पूरे जिले से महज 10 से 12 हजार लोग, सिर्फ 10 या 12 हजार की भीड़ होना, इतने ही लोग एकत्रित होना, तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच जो महापंचायत का नाम दिया गया था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप रहा था। अब किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राहुल गांधी अपनी महापंचायत करके जा चुके हैं, किसानों से अब बात कह चुके हैं, उन्होंने किसानों के प्रति हमदर्दी जताई थी और किसानों को ये बताया था भी जो किसानों के वो साथ हैं। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं 17 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जिस प्रकार से ताबड़तोड़ महापंचायतें पूरे राजस्थान में होनी है, ताबड़तोड़ इसलिए मैं कह रहा हूं भी लगातार हर दिन कोई ना कोई महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत रखी गई है, ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं रखी गई है। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये रहेगी कि क्या कांग्रेस की तरह 10-12 हजार की भीड़ में ही ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता जो घूम रहे हैं क्या इतनी ही भीड़ से वो चले जाएंगे, इतनी भीड़ से संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर वो किसान जो उठ के नहीं आ पा रहे थे या किसानों को समझाने में जहां केंद्र सरकार भी असफल रही है, केंद्र सरकार किसानों को ये नहीं समझा पा रही है कि तीनों कृषि कानून उसके फेवर में है, और जो बाकी जो किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा है या अन्य विपक्षी पार्टियां, वो किसानों को ये पूरी तरह से नहीं समझा पा रही है भी तीन कृषि कानून आपके कैसे खिलाफ है, तो इसको लेकर एक कसमकश चल रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार चाह रही है भी किसी तरीके से किसानों के बीच में नेताओं को भेजा जाए, हम तमाम लोगों को भेजा जाए जो समझा सके भी किसानों के हक में ये फैसला लिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां और संयुक्त किसान मोर्चा जो है लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। अब मैं बात दोबारा करूंगा, 17 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो ताबड़तोड़ महापंचायतें होनी है राजस्थान में कितना असर डालेगी, इसी पे आशंकाएं कुछ जताई जा रही है। आशंकाएं ये है कि अगर किसी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, राजस्थान के सीएम जो सत्ता पक्ष में है वो सीएम तक अगर वहां पहुंचते हैं उस दौरान भी अगर 10 से 12 हजार लोगों किसान जुट पाते हैं, हालांकि कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व होना चाहिए क्योंकि वो फिलहाल सत्ता में है, और बात करें अगर हनुमानगढ़ जिले की तो संगरिया और पीलीबंगा को छोड़ दिया जाए तो तमाम विधानसभाओं में जो है कांग्रेस जीती हुई है, कांग्रेस के विधानसभाओं में जीती हुई है, तो अगर इतनी विधानसभाओं में भी वो थोड़ी भीड़ कर पाए हैं 10-12 हजार, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय है भी कहीं ना कहीं वो किसानों के साथ जुड़ाव नहीं कर पाए हैं,
या किसान उससे जुड़ नहीं पाए, उसका एक अलग इशू बनाया जा सकता है अलग। महत्व ये है भी राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने कहा था, राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 9, 10 कहकर जैसे 10 दिन होगा बीजेपी देखती रहेगी और हम कर्जा माफ कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज माफी का जो दौर शुरू करना था वो नहीं कर पाए। सिर्फ सहकारी बैंक तक या भूमि विकास बैंक तक ये कर्ज माफी सिमट के रह गई थी। अब जिस प्रकार से धरातल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि शायद उन्हें जो जमीन चाहिए थी वो जमीन मिल चुकी है, अभी जमीन तलाश ली गई है, लेकिन इस मौके को कितना भुना पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 17 से 26 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाले हैं मैं उसी पर चर्चा करूंगा। राजस्थान में कहाँ कहाँ वो प्रोग्राम होने वाले हैं मैं आपको बता दूं, 17 फरवरी को भरतपुर के भुशावर में एक किसान महापंचायत रखी गई है, और उसके अगले ही दिन 18 फरवरी को श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में महापंचायत रखी गई है। अगर उससे अगले दिन की बात करें 19 फरवरी को, तो 19 फरवरी को हनुमानगढ़ के डब्ल्यू टोल नाके पर एक महापंचायत रखी गई है, और अगर 22 फरवरी की बात करें तो 22 फरवरी हनुमानगढ़ के ही जिले नोहर में महापंचायत रखी गई है। 20-21 के दौरान भी महापंचायतें होंगी, और 23 फरवरी को अगर बात करें तो चूरू के सरदार शहर में महापंचायत रखी गई है, और बात करें और इसके बाद सीकर में किसान महापंचायत में जुटेंगे, चूरू के सरदार शहर के बाद सीकर में, उसके बाद 26 फरवरी को टोंक के टोडा भीम में भी किसान महापंचायत रखी गई है। ये किसान महापंचायत जो है कहीं ना कहीं इन किसान महापंचायत में जो भीड़ जुटेगी, जो इस किसान महापंचायत में जो किसान जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन का जो आने वाले जो समय है या किसान आंदोलन का जो परिणाम है वो डिपेंड करेगा इस भीड़ पे भी कितने किसानों को महापंचायतें का रूप दिया गया और कितने किसानों को ये महापंचायतें जोड़ पाती है, या तमाम लोग जो किसानों के संपर्क में है या किसानों के समर्थन में है वो कितना इन किसानों को अपनी ओर खींच पाते हैं या इन्हें समझाने का जो इनका प्रयास था उसमें सफल हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको ये जरूर बता देते हैं इन महापंचायतों में कौन कौन शामिल होगा। इन महापंचायतों में अगर अगुवा नेता की बात करें, जहां तक अब तक रिकॉर्ड आया है उसमें अगुवा नेता की बात करें, तो इसमें डॉक्टर दर्शनपाल सिंह इन महापंचायतों में रहेंगे, राकेश टिकेत रहेंगे, योगेंद्र यादव रहेंगे, बलवीर सिंह राजेवाल रहेंगे, गुरनाम सिंह चडूनी रहेंगे, जगदीप सिंह दलेवाल रहेंगे, और युद्धवीर सिंह समेत कई और भी नेता जो है शिरकत करेंगे। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस किसान आंदोलन में उन्होंने बहुत बहुत सारी बातें सामने आई कि सोशल मीडिया पे उनके नाम का, हर किसी के नाम का कोई ना कोई चर्चा रहा है, हर व्यक्ति फेस टू फेस जाने लगा है, किसान नेताओं को पहचानने लगा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है इन बड़े नेताओं का राजस्थान में आना और राजस्थान में किसान महापंचायत का नाम देना और किसान महापंचायत का अब रूप कितना बड़ा हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 17 फरवरी से लेकर 26 फरवरी का जो समय रहेगा उस समय में ये किसान महापंचायतें कितना असर डाल पाती है, कितने लोग कितने किसानों को साथ जोड़ पाती है और कितने किसानों को दिल्ली तक खींच पाती है ये वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में यूं कुंडी अभी तक बनी हुई है, ना किसान जो है वो ढील देने को तैयार है ना ही केंद्र सरकार ढील देने को तैयार है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हनुमानगढ़ में रखी गई थी जिसमें हम भी शरीक हुए, तो हमारी तरफ से एक सवाल किया गया था बीजेपी सांसद से, तो उन्होंने भी एक साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है, आप अगर मेरा संदेश पहुंचा सकते हो तो संशोधन की बात करें। जैसा कि कृषि मंत्री तोमर भी कह चुके हैं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं, भी संशोधन पर अगर कोई बात बनती है तो हमें बताएं। अब ये जो आने वाला वक्त है, जो किसान महापंचायतों का रूप लिया, जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस इसमें कूदी है, अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये रास्ता खोल दिया है, या यूँ कहा जा सकता है संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर दिया भी, अब वो रुकेंगे नहीं, अब गांव-गांव शहर शहर जाकर किसानों को जागृत करेंगे। राजस्थान में ये 17 से लेकर 26 यानी 6 और 3, 9 या 10 दिन महापंचायत के रहेंगे लगातार, वो 10 दिन राजस्थान में कितनी छाप छोड़ पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और अगर हमें आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम लगातार कृषि कानूनों से जुड़ी हुई अपडेट आप तक लाते रहेंगे।
और इन राजस्थान में जो महापंचायतें होने जा रही है, जो महापंचायतें होने जा रही है, उस पर हम रोज आपको विश्लेषण देंगे, कितना फायदेमंद रहेगी या कितनी संजीवनी जो है किसानों को दे पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कुलदीप शर्मा को इजाजत है।